मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू अवर चैनल ग्लोबल एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और वी कैन से गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, इस चार्ट के द्वारा हम समझेंगे कि अकाउंट को डेबिट किया जाता है और किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, इन द पर्सनल अकाउंट रिसीवर आर डेबिट, मतलब पाने वाले व्यक्ति को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्लियर। एंड गिवर आर क्रेडिट, जो देने वाला होता है उसको क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स रिसीवर आर डेबिट एंड गिवर आर क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है, व्हाट कम्स इन बिजनेस, मतलब बिजनेस के अंदर आने वाली चीजों को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, और जाने वाली चीजों को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तो जाने वाले खाते का हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, यानी कि व्हाट गोज आउट। तो इन द रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन बिजनेस आर डेबिट एंड व्हाट गोज आउट आर क्रेडिट। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट आपका बहुत ईजी अकाउंट होता है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। क्लियर। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे, लॉस होगा, वो लॉस हमारा किसी भी तरीके से हो रहा है, चाहे थेफ्ट के द्वारा हो रहा है या जलने से हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, उसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। और जितनी भी हमारी इनकम होगी, जो भी हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, गेंस हो रहा है, तो वो क्या किए जाते हैं, क्रेडिट किए जाते हैं। तो आई होप ये आपको तीनों अकाउंट समझ में आ गए होंगे। इनके एग्जाम्पल अभी हम डिस्कस करेंगे कि पर्सनल अकाउंट में हम किस तरह से डेबिट करते हैं, किस तरह से किन चीज़ों को क्रेडिट करते हैं, और रियल अकाउंट में कौन सी ऐसी थिंग्स होती हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर आती हैं, उनको डेबिट किया जाता है और क्रेडिट किया जाता है, जो भी जाने वाली चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम डेबिट करते हैं, और कौन कौन से इनकम होती है या प्रॉफिट होता है जिनको हम क्रेडिट करते हैं। तो ये आपको जो चार्ट शो हो रहा है, इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तीनों अकाउंट्स और किन किन चीजों को हमने डेबिट किया है अकाउंट्स में और क्रेडिट किया है। ठीक है,